बिसम या का या बदया कस्तीन मुझे आज बड़ी खुशी है कि जिस तरह मेरी कौम मेरे पाकिस्तानी जिस तरह आज फलस्तनीों की हमायत के लिए निकले और जिस तरह उन्होंने उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी आज निशानदी की और उसकी मजम्मत की मैं आपको सबको खराज तहसन पेश करना चाहता हूँ जब से इसराइल बना पाकिस्तान का हमेशा एक ही स्टैंड रहा है और वो स्टैंड था कायद अजम मोहम्मद अली जना का हमारे अजीम लीडर का कि फ़लस्तियों से बहुत बड़ी नासाफ़ी हुई है और हर फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने फलस्तियों के साथ खड़े रहे हैं सताईसवीं रात को मैं मस्जिद नबी में था जब मुझे पता चला कि जो कबला अअल है मुसलमानों का मस्जिद अलक्सा उधर जब सत्ताईसवीं की मुकदस रात को लोग नमाज पढ़ रहे थे जो इसराइल की पुलिस है उसने उनके ऊपर तशद किया और साथ साथ फिर ये भी इसी चीज़ का भी इल हुआ कि जो फ़लस्तीनी फैमिलियाँ सत्तर साल से अपने घरों में रह रही थी कई फ़ैमिलीज़ को इसराइली सेटलर्स ने उनको घरों से निकाल दिया इसकी वजह से एक नया इंतजार शुरू हो गया और फिर जो गाजा के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतवर तरीन फ़ौज है तकरीबन नहाते फ़लस्तियों के ऊपर जिस तरह की बमबारी की गई जिसमें बच्चे मारे गए तो मैं अगले दिन सत्ताईसवीं का जो अगले दिन था मैंने जो ओ आई सी के सेक्रटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात की और उनको तब कहा कि मुसलम ओ आई सी को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए और यूनाइट नेशन्स में इशू को उठाना चाहिए जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने किंग सलमान से बात की और उनसे भी यही हम बात की कि ये जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तनीों पर और जो अलगसा में हुआ है इसके ऊपर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए तुर्की के जो प्रेजिडेंट है तैयब अर्दोगान उनकी मुझे कॉल आई उन्होंने भी यही चीज़ कही महातर मोहम्मद की मैसेज आई कॉल आई उन्होंने भी यही चीज़ कही और फिर मैंने बात की फ़लस्तान के जो सदर हैं महमूद अब्बास और उनसे हमने कहा कि हम पूरी तरह उनको यकीन दिलाए कि हम सब पाकिस्तान बल्कि मुसलमान दुनिया बल्कि वो सारी वो दुनिया जो इंसाफ में मानती है वो सब उनके साथ खड़ी है शाह महमूद कुरैशी को उसके बाद फिर मैंने कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में जाएं और ओआईसी और और मुसलमान मेंबर से इस इशू को उठाएं और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से इसको उठाया और मैं उनको दाद देता हूँ इसकी मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ मुझे एक बड़ी खुशाइन चीज़ नज़र आ रही है और वो क्या है कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है मैंने इतना टाइम मगरब में गुजारा पहले भी जब इसराइल की फौजें जुल्म करती थी फ़लस्तीनी पे तो मैं कभी मगरब के अंदर उनके अखबारों में उनके मीडिया उनके पॉलिटिशंस को मैंने कभी नहीं देखा कि इसराइल की वो तनकीद करें बल्कि वो सारे इसराइल को ऐसे ल... होता था कि जैसे जुल्म इसराइल पे हो रहा है लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वहाँ से आवाज़ें उठनी शुरू हुई उनके अखबारों ने इसकी तनकीद की उनके मीडिया ने इसकी तनकीद की और पॉलिटिशन्स ने खड़े होके कभी मैंने समझता था कि अमेरिका में वो इसकी इसराइल की तनकीद करेंगे और और मगरबी ममालिक में इसकी ये जो पब्लिक ओपिनियन तब्दील हुआ है इसकी एक बहुत बड़ी एक और वजह है सोशल मीडिया मेन मीडिया अगर कोई रिपोर्ट को रोकता भी है कोई सेंसर भी करता है तो सोशल मीडिया पे एक ऐसी एक एक ऐसी फोर्स आ गई है कि उससे अब कोई भी कम्युनिकेशन और न्यूज़ को रोक नहीं सकता और इससे मुझे नजर आ रहा है कि दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है आज से तीस साल पहले इसी तरह तब भी दुनिया का पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ था साउथ अफ्रीका उधर एक ऐसी रजीम थी एक ऐसी गवर्नमेंट थी और बड़ी देर से कई सालों से थी जो नस्ल प्रस्त थी जो एशियंस और अफ्रीकन्स को बराबर के शहरी नहीं समझती थी और इनके साथ बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें खड़ी हुई थी इस नस्ल प्रस्त रजीम के साथ लेकिन जब दुनिया में पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ तो यही जो ताकतवर कोवतें थीं जो मुल्क थे इन्होंने ही जोर लगा के साउथ अफ्रीका के अंदर उनको रजीम के ऊपर जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने उनको मजबूर किया कि वो बराबरी के हकूक दें अफ्रीकन्स को और एशियंस को इसी तरह का मैं मैं एक शुरुआत देख रहा हूँ कि इन दुनिया का जो पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रहा है मैं यही देख रहा हूँ कि अब एक दुनिया का पब्लिक ओपिनियन अब जोर लगाएगा बड़े बड़े ये जो मुल्क हैं जो अब तक सपोर्ट करते रहे इसराइल को ये पूरा प्रेशर डालेंगे कि फ़लस्तनीों को भी उनके हकूक़ दिए जाएँ और इन दिन आएगा जबकि के फ़लस्त के लोगों को अपना मुल्क मिलेगा एक मुनफाना सेटलमेंट मिलेगी वो भी बराबर के शहरी रह सकेंगे जो कि फ़लस्तीनी इसराइल में रहते हैं एक बराबर के शहरी बन के रह सकेंगे और हम दुआ करते हैं कि वो दिन जल्दी आए Pakistan paindavat.